कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले राजेंद्र कुमार कंजूसी के लिए फेमस थे। वो ना तो दोस्तों पर और ना तो खुद पर पैसा खर्च करते थे, इसलिए इंडस्ट्री के लोग उन्हें कंजूस कहते थे। जब उनकी माली हालत खराब हुई तो उन्होंने अपना लकी बंगला, जिसका नाम डिम्पल था, राजेश खन्ना को बेचा था। जानकारों का कहना है कि जिस रात उन्हें ये बंगला छोड़कर जाना पड़ा था, उस रात को वो फूट फूट कर रोए थे। राजेंद्र कुमार को फिल्मों में काम करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। वो हीरो बनने का ख्वाब लिए जिस वक्त मुंबई आए थे, उस समय उनके जेब में सिर्फ 50 रुपये थे, जो उन्होंने पिता से मिली घड़ी को बेच कर लिए थे। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से उनको 150 रुपीज सैलरी पर डायरेक्टर HS रवेल के सहायक के तौर पर काम मिला था। 1950 में आई फिल्म जोगन में राजेंद्र कुमार को काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके साथ दिलीप कुमार लीड रोल में थे। 1950 से 1957 तक राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में छोटे से रोल के बावजूद उन्हें पसंद किया गया। 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई बतौर लीड एक्टर राजेंद्र कुमार की पहली हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज आदि फिल्मों में काम किया है। फिल्मों की कामयाबी को देखते हुए उनके फैंस ने उनका नाम जुबली कुमार रख दिया था। 1970 के बाद राजेंद्र कुमार का स्टारडम गिरने लगा था और कुछ समय बाद हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अपना लकी बंगला तक बेचना पड़ा और फिर देखते ही देखते वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।